गर्मियों के दिनों में भूख भी कम लगती है, चावल रोटी सब्जी करी इतना सब कुछ खाया भी नहीं जाता, तो एक ही डिश में अगर थोड़े ज़्यादा पोषक तत्व हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। इसलिए आज हम बनाने वाले हैं स्क्रम्बल एग राइस, जिसमें वेजिटेबल्स भी होंगे। इस फ्राई राइस के साथ, या फिर आप इसे पुलाव भी कहिए, इसके साथ आप लस्सी छाक या फिर सलाद खा के आपका लंच पूरा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी स्क्रम्बल राइस। तो यहाँ पर ये प्यान है जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून इतना घी। आप घी की जगह बटर ले सकते हैं या फिर आप इसे पूरा तेल में भी बना सकते हैं। घी में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है ताकि जल्दी जले ना। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, तो आप दोनों जीरा मिक्स करके डालिएगा 1/4 टीस्पून में। 2 हरी मिर्च को मैंने फाइन चॉप करके लिया है और उसे मैंने तेल में अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी इतना कटा हुआ टमाटर, तो टमाटर भी मैंने फाइन चॉप किया है। अब इस टमाटर को हम इसी तरह 1-2 मिनट रख देंगे और उसे पकने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है 1/4 टीस्पून इतना। नमक डालने के बाद हम फिर से सॉटे करेंगे ताकि नमक टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 कटोरी इतना येलो बेल पेपर। आप येलो डाल सकते हो, रेड डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप कैप्सिकम भी डाल सकते हो। और उसमें मैंने 1 कटोरी इतना पत्ता गोभी डाला है और मिक्स करके हमने ढक्कन रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप लहसुन और प्याज खाते हो तो आप लहसुन और प्याज भी इसमें डाल सकते हो, जो कि मैंने स्किप किया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून इतना बिरयानी मसाला, जो हमने घर पे बनाए हैं और उसकी रेसिपी की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मसाला डालने के बाद हमने फिर से सॉटे कर दिया है। जब भी कभी हम फ्राई राइस करते हो तो बिरयानी मसाला नहीं डालते, आप इस बार बिरयानी मसाला डाल कर देखिएगा, उसकी टेस्ट एक अलग ही आती है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन फिर से 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया है। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहना ज़रूरी है। अब फिर से हम इसे सॉटे कर देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इतना लेमन जूस। लेमन जूस को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पके हुए चावल। तो आप यहाँ पर बचे हुए रात के खाने के चावल भी यूज़ कर सकते हो या फिर फ्रेश चावल बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। चावल को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अंडे। अगर यहाँ पर आप येलो एग नहीं खाते तो येलो एग को आप सेपरेट करके भी डाल सकते हो। तो इस चावल में मैंने डाले हैं 2 पूरे अंडे और 1 वाइट एग सिर्फ। अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद ये थोड़े गीले गीले बन जाते हैं, तो इसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रख कर इसे थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हो। थोड़ी देर बाद हमारा ये स्क्रम्बल एग फ्राई राइस बनके तैयार है। आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे बिरयानी मसाला को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स, और फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।